ओके हैन सो टूडे लेट्स डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट हैज़ कैल्कुलेट द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शोन इन फिगर अबाउट द पॉइंट ओ फाइन सो इस तरह से हमें एक बॉडी दे रखी है एंड मल्टीपल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ राइट सो देखो टॉर्क निकालने के कई सारे मैथड हैं द सिंपलेस्ट मैथड इज़ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ जैसे मैं इस फिफ्टीन न्यूटन फोर्स का टॉर्क निकालना चाहता हूँ दैन फर्स्ट आई नीड टू डिफाइन अ पोजिशन वैक्टर जिस पॉइंट पे ये 15 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है देखो इस पॉइंट पे 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेट से दिस पॉइंट इज वन राइट एंड दिस फोर्स इज एफ वन एंड इट्स पोजिशन वैक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट ओ इज आर वन नाउ सिंपली टॉर्क वन दैट विल बी इक्वल टू आर वन क्रॉस एफ वन इफ आई टॉक अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड होगा आर वन का मैग्नीट्यूड f1 का मैग्नीट्यूड इन टू साइन ऑफ थीटा ना वॉट इज़ थीटा थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर वन एंड एफ वन सो देखो आर वन का डायरेक्शन ये रहा और एफ वन का डायरेक्शन ये रहा राइट सो वट इज़ द एंगल दिस इज़ द एंगल वट इज़ दिस एंगल दिस एंगल इज थर्टी सेवन सो इट विल बी वन एटी माइनस थर्टी सेवन राइट सो आर वन का मैग्नीट्यूड दैट इज़ सिक्स सेंटीमीटर और यू कैन टेक इट टू बी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स राइट इन टू एफ़ वन का मैग्नीट्यूड फिफ्टीन इन टू साइन ऑफ वन एटी माइनस थर्टी सेवन विच इज़ नथिंग बट साइन थर्टी सेवन इट्स सेल्फ एंड साइन थर्टी सेवन इज़ नथिंग बट थ्री बाय फाइव अब हम इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं ये हो गया मैग्नीट्यूड अब डायरेक्शन देखो राइट हैंड थम रूल से हम निकाल सकते हैं आर क्रॉस एफ़ करो आर क्रॉस एफ ऊपर की तरफ आ रहा है सो so आप इसे डॉट से डिनोट कर सकते हो या फिर आप इसे क्लॉक वाइज uh, और एंटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो जैसे Uh, ये देखो किस तरह से रोटेट करना चाहता है इस बॉडी को अबाउट पॉइंट ओ दैट विल बी इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और आप इसे ही ना पॉजिटिव भी लिख सकते हो देखो तीन डिनोशन है या तो डॉट लिख दो राइट दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड कमिंग आउट बाहर की तरफ आएगा या फिर एंटी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव भी लिखते हैं जस्ट कन्वेंशन है आप चाहो तो इसे यू नो एंटी क्लॉक वाइज को नेगेटिव डिफाइन कर सकते हो इट्स अप टू यू फाइव न्यूटन फोर्स की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ माई एफ़ टू राइट सो आप देखो ये वाला जो फोर्स है डायरेक्टली पास हो जा रहा है फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं सो so अगर कोई फ़ोर्स uh, उसी पॉइंट से पास हो जाता है जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो देन उसका टॉर्क ज़ीरो होता है और अगर आप इस तरह से भी आर क्रॉस एफ़ करते हो देन वो ज़ीरो आ जाएगा बिकॉज आर और एफ़ के बीच में एंगल या तो जीरो आएगा या वन आ जाएगा राइट सो टॉर्क टू विल बी सिंपली ज़ीरो दिस ट्वेंटी न्यूटन की बात करते हैं ये एफ थ्री है राइट right? और इस ये किस पॉइंट पे लग रहा है इस पॉइंट पे दिस इज़ पॉइंट नंबर थ्री इसका पोजिशन वैक्टर ड्रॉ करो दिस इज योर पोजिशन वैक्टर राइट ओके सो टॉर्क थ्री विल बी आर थ्री क्रॉस एफ थ्री पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं आर थ्री का मैग्नीट्यूड एफ थ्री का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ ठीटा थ्री है ना ठीटा थ्री डिफाइन करते हैं सो so, देखो ये हो गया आर इस डायरेक्शन में और ये हो गया एफ इस डायरेक्शन में सो so, कितना एंगल ये एंगल 150 है तो ये एंगल भी 150 होगा राइट इट मीन्स साइन थीटा थ्री इज़ सिंपली वन फिफ्टी सो आर थ्री इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज़ फोर सेंटीमीटर सो जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू एफ थ्री मैग्नीट्यूड दैट इज़ ट्वेंटी इंटू साइन टीटा थ्री साइन ऑफ वन फिफ्टी दैट इज़ वन एटी माइनस थर्टी सो दैट इज़ नथिंग बट साइन थर्टी दैट इज़ वन बाई टू राइट और uh, इसका डायरेक्शन चेक करो आर क्रॉस एफ आर क्रॉस एफ ऊपर की तरफ आ रहा है या तो हम इसे डॉट से लिख सकते हैं या फिर एंटी क्लॉक लिख सकते हैं या फिर पॉजिटिव लिख सकते हैं राइट right? फाइन अब एक ही फोर्स बचा है राइट right? ये टेन न्यूटन का लेट्स कॉल इट एफ फोर ये इस पॉइंट पे लग रहा है दिस इज़ माय पॉइंट फोर पहले आर वेक्टर डिफाइन करते हैं दिस इज़ आर फोर नाउ टॉर्क फोर विल बी इक्वल टू आर फोर इसका मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ एफ फोर साइन ऑफ आर फोर थीटा फोर देखो ये आपका आर आर का डायरेक्शन हो गया ये एफ़ का डायरेक्शन हो गया सो दैट इज़ 90 ये वाला जो एंगल है ये 90 है सो साइन ऑफ 90 सो so मैग्नीट्यूड हो गया 0.04 देखो आर फोर का मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर राइट इंटू एफ़ फोर दैट इज़ टेन इंटू साइन नाइन्टी दैट इज़ वन डायरेक्शन की बात करें आर क्रॉस एफ़ नीचे की तरफ जा रहा है मीन्स क्रॉस में जा रहा है राइट और यू कैन से क्लॉकवाइज है इस तरह से है और आप इसे नेगेटिव भी ले सकते हो राइट right? फाइन सो अब नेट टॉर्क क्या होगा दैट इज़ सम मीन्स टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू प्लस टॉर्क थ्री प्लस टॉर्क फोर रिमेंबर जो टॉर्क एंटी क्लाक वाइज है वो सारे के सारे टॉर्क पॉजिटिव होंगे और जो टॉर्क क्लॉक वाइज है उसे हम नेगेटिव साइन लेंगे अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है देन दैट इज़ एंटी क्लाक वाइज टॉर्क है ना और अगर फाइनल आंसर क्लॉक वाइज आता है देन दैट इज़ क्लाक वाइज मीन्स अगर नेगेटिव आता है फाइनल आंसर दैट दैट विल बी अवर क्लॉक वाइज स्टॉल सो आई थिंक यू हैव अंडस्रस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूज वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइस कीप वर्किंग आट बेस्ट ऑफ लक बाय